Rossi tolla kosau sang. हेलो एंड हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रेत और आई होप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फाइनली हमारा सेब का सीज़न अब जाके शुरू हुआ है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और आज का जो व्लॉग होने वाला है वो ऑब्वियसली एप्पल हार्वेस्टिंग पर ही होने वाला है। तो मैं जा रही हूँ खेत पर, हमारे खेतों में आए हुए हैं कुछ लोग जो कि हेल्प करेंगे हमारी, तो मैं उनके लिए लेकर जा रही हूँ चाय। और मेरे पास है किल्टा जो कि मैं लेकर जाऊंगी, तो चलते हैं अभी खेतों की। और वक्त को गुजरते ना टाइम नहीं लगता, देखो अभी फ्लावर सीजन था और अभी एप्पल का सीजन हो रहा है, तो इसी किल्टे में हम लोग उठाएंगे सेब को। तो चलते हैं, सामने लगे हुए वो लोग, तो पहले इनको चाय दे देते हैं और फिर सेब का काम कर लेते हैं। चो चलो लेट्स गो। ये है सामने चल रहा है सेब का तोड़ान का काम। और मुझे लगता है मम्मी आज फिर से पेड़ पर चढ़ गए होंगे, तो वो लोग हमेशा मुझे छेड़ते हैं कि मैं पेड़ पर चढ़ूं या ना चढ़ूं। ऑब्वियसली नहीं चढ़ सकती क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट हूं, और अगर मैं चढ़ गई तो ऑब्वियसली सेब से गिरने का डर है, क्योंकि सेब की टहनियाँ जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा नाजुक होती हैं, तो मेरा ही नुकसान है, मैं गिर जाऊँगी और ऑब्वियसली सेब भी गिर जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ हरे से सेब हैं, ये इनमें ना कलर बिल्कुल भी नहीं आया है, बट पत्तियाँ अब गिरने लग गई हैं, तो पत्तियाँ जैसे गिरने लग जाती हैं तो सेब को रखने का फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए सारे ही सेब तोड़ने पड़ेंगे हमें फ़िलहाल के लिए। तो और ऊपर पेड़ पर चढ़े हुए हैं मेरे मम्मी और अंकल, फ़िलहाल मैं यहाँ पर नीचे तोड़ लेती हूँ ये सेब। तो ये जो कुछ नीचे नीचे के सेब है जो आसानी रहेगी तोड़ने के लिए, मैं उनको फ़िलहाल तोड़ देती हूँ। तो चलो आज का दिन शुरू करते हैं। क्या दिशी वो तोड़ना नहीं ना लिया। यहाँ पर अंकल मुझे बहुत बार बार कह रहे थे कि ऊपर आ जा सेब तोड़ना है, बट मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट पे था और लिटरली मेरी हालत नीचे से देखकर बहुत वो लग रहा था, तो वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। बट सच बताओ मैं नीचे ही ठीक हूँ, मैं ऊपर नहीं आ सकती बिल्कुल भी, तो मेरी तो वो कोई इरादा नहीं कि मैं खतरों का खिलाड़ी बनूं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो भाभी और मैंने भर दिया है इतने सारे क्रेट्स। अब के टाइम पे ना क्रेट में भी हम लोग सेब भेज सकते हैं, तो पेटी भरना या ना भरना वो आपकी चॉइस है। तो हमारे पास क्रेटों की कमी पड़ रही थी, तो हमने इस तरह से ना घास बिछा कर नीचे सेब का ढेर लगा दिया था। तो देखो यहाँ पर कितने सारे सेब फिलहाल हमने रख दिए हैं जो कि यहाँ से तोड़ कर लाए थे, और जैसे ही अभी क्रेट्स लेकर भाई आ जाएंगे तो हम ये सारे सेबों को ना वन बाय वन करके उन क्रेटों में भरना शुरू कर देंगे। तो फिलहाल के लिए ये ढेर ऐसे ही रहेगा और ये जो खाली क्रेट है उसको भरना अब हम दोनों शुरू कर देते हैं। तो फिलहाल भरते हैं।
यहाँ पे देखो, भाभी और मेरी ड्यूटी लगी हुई है। ये जो ऊपर सेब तोड़ रहे हैं पापा और जो काम करने आए वो, उनसे सेब की ये ऑब्वियसली झोले हमारे को पकड़ने को दिया था बैग, उनको यहाँ पे ढेर पे रखना। और हमारी भतीजी ऑब्वियसली वो कैसे शांत रह सकती है। इनमें से ना ये देखो इतने सारे खाली करेटे हैं यहाँ पर, और ये पूरा ढेर भरेंगे हम अब इसे, क्योंकि भाई आ गए हैं गाड़ी लेकर लेने इनसे, तो अभी हम भर देंगे। आपको इसमें से कुछ रेड और कुछ ग्रीन कलर के दिख रहे होंगे ना, तो कोई रॉयल है और कोई रेड है। रेड में बिल्कुल भी कलर नहीं आया हुआ है, बट ड्यू टू अब पतझड़ शुरू हो गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो हम इन्हें फिलहाल तोड़ देंगे। तो फिलहाल के लिए तो ये अभी यहाँ पर है, और ये जो करेटे आप लोग खाली देख रहे हो, हम इसमें वन बाय वन करके भर देते हैं, और जैसे ये भर जाएंगे फिर उसके बाद भैया ने लेकर चले जाएंगे। यहाँ पर देखो हम लोगों ने भर दिया इतने सारे करेटे, और उसके बाद अब वन बाय वन करके ये जाएंगे सड़क की ओर, और फाइनली फिर जाएंगे ये मार्केट में सेल होने के लिए। उसके बाद मिल जाएंगे आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे और रसीले मीठे एप्पल। तो फिलहाल के लिए आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, हैव फन, बाय बाय।